भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कल इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित उलगुलान रैली को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रैली को लेकर पहले से 5 लाख लोगों के दावे किए जा रहे थे निराधार था। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से कह रहे थे कि यह रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, लेकिन रैली से साफ हो गया कि यह इंडिया गठबंधन की रैली थी। रैली में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उचित स्थान नहीं दिया गया। हर बार हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन कभी भी दुर्गा सोरेन के जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, ना ही चंपई सोरेन जिंदाबाद के नारे लगे। यह पूरी तरह से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा है। मारपीट की घटना पर भाजपा आरोप लगाए जाने पर कहा कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता लड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देखिए, कल की जो रैली हुई थी, जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग की गई थी कि उलगुलान रैली है, ये अस्मिता की लड़ाई की रैली है, ये संविधान बचाने की रैली है, ये लोकतंत्र बचाने की रैली है, और ये तमाम बड़े बड़े तरीके से ब्रांडिंग करके इन्होंने जो नैरेटिव तय करने की कोशिश की थी कल, वो पूरा टैंट टैंट फेस हो गया। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था साहब, ये हमारी रैली है, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने के खिलाफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली है, जिसमें बाकी सब अतिथि आएंगे। लेकिन ये रैली में जेएमएम की रैली से तब इंडी गठबंधन की रैली का स्वरूप ले लिया, ये हमारे लिए समस्या पर है। और कल की जो रैली थी, हम मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परिवार तंत्र को बढ़ाने की रैली थी, एक नेता को प्रोजेक्ट करने की रैली थी। कल जिस तरीके से सेंटर स्टेज पर कल्पना सोरेन जी बैठी रही, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी जिस समय रैली में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनको जो मंच पे स्थान मिलना चाहिए था, जो उचित स्थान मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री के नाते, वो उचित स्थान ना तो बैठने के समय मिला और उनको बोलने का मौका भी उस समय दिया गया उनको और खड़गे जी को, जब अधिकांश कुर्सियां जो है वो खाली हो गई थी। और कितने बार आपने ऐसा देखा होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ये बार बार एक नैरेटिव रचा जा रहा है कि गांधी के उपचुनाव के बाद प्रदेश को एक नया लीडर मिलेगा, कहा तो ये गांधी जीतने नहीं जा रहे। लेकिन जिस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो सोरेन परिवार के बाहर का है, उसको कल अपमानित किया गया। क्या नारे लग रहे थे साहब? शिबू सोरेन जिंदाबाद, ठीक है साहब, गुरु जी है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। क्या आप में से किसी ने भी सुना कि वहां पे दुर्गा सोरेन, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में महती भूमिका निभाई थी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना निर्मल महतो की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन जी के समर्थन में गगन भेदी नारे लगे हो? या आपने विनोद बिहारी महतो के बारे में सुना? ये पूरे तरीके से कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट करने और प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, हद तो तब हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बोलने उठे, तो ना सिर्फ उस समय भीड़ कम थी, बल्कि अधिकांश जो मंच पर बैठे बड़े नेता थे वो भी उठकर जाने लगे। क्या सोरेन परिवार के बाहर का कोई एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बनता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, तो क्या ये पछतावे? इस तरह का अपमान और इस तरीके का प्रोजेक्शन आपने किया, ये आने वाले दिनों की तस्वीर साफ कर दी। अब आप देखें, संविधान बचाओ का नारा लगाया था